वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन आज बात करते हैं 8.2 एक्सरसाइज में। 8.2 एक्सरसाइज आपकी क्या है उस पे फोकस करते हैं अपन। देखो यहाँ पे अगर बात करें अपन, आपको पता है कि अपना x प्लस a की होल पावर n का फॉर्मूला क्या था, x जीरो x की पावर n a की पावर 0 n c 1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 n c 2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 ऐसे चल रहे थे। n c n x की पावर 0 a की पावर n अपना ये फॉर्मूला था। अब देखिए इसी फॉर्मूले से अपन आगे की चीज पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे उस पे ध्यान रखना। देखो कैसी आप मेरे को बताओ, जब पावर n होती है तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है, इसमें कितने टर्म्स आएगी? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 13 वाला क्वेश्चन नहीं आया। बेटा करवा देंगे, लास्ट के 5 मिनट पे 13 वाला, 5-7 मिनट पे 13 वाला क्वेश्चन करवा देंगे, आप उसकी चिंता ना करें। ठीक है हर्षित, आप मेरे को बताओ इसमें कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस सीरीज, कितने टर्म्स है इसमें? अरे जब ऊपर n होता है तो कितने टर्म्स होती है? n प्लस 1 होगी। अगर ऊपर 3 होगा तो कितनी टर्म्स होगी? 4 होगी। मैंने बताया था ना, अगर मान लो यहाँ पे ऐसे आ गया x प्लस a का होल क्यूब तो कितना लिख सकते हैं? देखो x क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b x स्क्वायर a प्लस 3 a 3 x a स्क्वायर। जब पावर 3 होती है तो कितने टर्म्स हो गई? 4 टर्म्स हो गई। अगर पावर 2 होगी तो 3 टर्म्स। मेरी बात को समझ रहे हो? तो यहाँ पे अगर पावर n है तो कितनी टर्म्स होगी? n प्लस 1 टर्म्स होगी। ठीक है, n प्लस 1 टर्म्स होगी। हाँ जी, अब देखिए यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इसमें जनरल टर्म जनरल टर्म, ठीक है, और x प्लस a की होल पावर n, अपने को जनरल टर्म चाहिए। जनरल टर्म का मतलब होता है सामान्य रूप। ठीक है, x प्लस के प्रसार का सामान्य रूप कौन सा रूप? सामान्य रूप। देखिए ये क्या होगा, ये धीमे लिखा है और जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए की होल पावर है। क्या होता है फॉर्मूला? आर प्लस वन टर्म। इसका मतलब होता है आर प्लस वनवा पद। एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पे आर प्लस वनवा पद बोलते हैं इसको। कौन सा बोलते हैं? आर प्लस वनवा पद। हिंदी मीडियम वाले ये लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखेंगे। तो क्या लिखते हैं इसको? टी आर प्लस वन। क्या लिखते हैं? टी आर प्लस वन। और क्या फॉर्मूला होता है यहाँ से? एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार काम आने वाला है और इस एक्सरसाइज में भी काम आएगा। टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। आपसे अगर मैं ऐसे पूछूं फिफ्थ टर्म चाहिए यानी कि पांचवा पद चाहिए
कोई बताएगा मेरे को आर की वैल्यू कितनी होगी? अगर पांचवा पद चाहिए यानी कि फिफ्थ टर्म चाहिए तो आर की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा? फाइव। रिजवाना बानो फोर। वेरी गुड। जिसने फोर आंसर दिया है वो सही है, जिसने फाइव दिया वो गलत है। फोर कैसे होगा आपको पता, आपको फिफ्थ टर्म चाहिए तो कितना हो जाएगा, टी फोर प्लस वन लिखना पड़ेगा, यानी कि आर की वैल्यू कितनी होगी, फोर। अगर मान लीजिए आपको टेंथ टर्म चाहिए, कौन सी टर्म चाहिए, टेंथ टर्म चाहिए, तो बताओ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी। आर की वैल्यू होगी नाइन। नाइन के बाद ऐड करो कौन सी टर्म आ जाएगी, टेंथ नंबर वाले टर्म आ जाएगी। जितना यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लिखा होता है, नोटेशन लिखा होता है, होल टर्म होती है। अगर मैं बोलूँ टी थर्टीन है, यानी कि कौन सी टर्म है, थर्टीन नंबर वाले टर्म, यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, वैन होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आर प्लस वन होता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर मैं बोलूँ सिक्स टर्म, तो सिक्स में आर की वैल्यू क्या होगी, फाइव होगी। आर की वैल्यू क्या होगी, फाइव। एक बार यस और नो में कमेंट करो आर की वैल्यू समझ में आ रही है। ओके, अब देखिएगा अगर अपन आगे बात करें इसमें, तो अगला कॉन्सेप्ट है मिडल टर्म इन एक्स प्लस एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए की होल पावर एन। कहने का मतलब क्या बोला मैंने कि एक्स प्लस ए के प्रसार में मिडल टर्म की एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्स प्लस ए के प्रसार में मध्य पद। क्या चाहिए आपको, मध्य पद, ठीक है, ये पॉइंट है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, आप मेरे को ऐसे बताओ रे, अगर देखो आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, आदमी मैं बोलू तीन स्टूडेंट है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, एक सेकेंड, ए बी और सी तीन स्टूडेंट है, बताओ मिड वाला कौन सा होगा, मिड वाला कौन सा होगा। अरे मिड वाला कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है, सबके बात समझ में आया कि मिड वाला बी होगा। अगर मैं ऐसे करूँ ए बी सी डी और ई, बताओ मिड वाला कौन सा होगा, सी होगा, कौन सा होगा, सी होगा, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। फिर बोलूँ मैं ए बी सी डी ई एफ जी, बताओ कौन सा होगा मिड वाला, जल्दी बता दे रहा हूँ, डी होगा मिड वाला, यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे सी होगा। अब आपसे फिर पूछता हूँ ए बी सी डी, अब बताओ मिड वाला कौन सा है, अब बताओ इसमें मिड वाला कौन सा है, क्या हुआ, दिमाग घूम गया, बी होगा, बी सी होगा, बी और सी होगा, बी प्लस सी अपॉन टू होगा। अरे कुछ ही लिखते जा रहे हो आप लोग, बी प्लस सी अपॉन टू कैसे होगा, बी प्लस सी अपॉन टू है। अरे मैंने ऐसे पूछा है मिड वाला कौन होगा, तो मिड वाला होगा एक तो बी वाला होगा और एक सी वाला होगा, ठीक है, बी वाला भी होगा और सी वाला भी होगा। फिर पूछता हूँ आपसे, लो अब बताओ इसमें कौन होगा मिड वाला, इसमें बताओ मिड वाला कौन होगा, बी और सी होगा, इसमें भी बी और सी होगा, बी और सी होगा। अब देखो चलिए कैसे बता रहे हो आप लोग, इधर देखो आप मेरे को बताओ इसमें कितनी टर्म्स है, तीन, इसमें कितनी है, सात,
ओड नंबर्स, ओड को बोलते हैं विषम संख्याएं। अगर विषम संख्याएं होगी, विषम पद होंगे, ओड टर्म्स होगी, तो मिडिल टर्म एक ही आती है। बात को समझ रहे हो? अगर किसी भी एक्सपेंशन, देखिए मैं एक्सपेंशन को बोलूंगा पसार, एक्सपेंशन को बोलते हैं पसार, इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या, ओड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। तीनों वर्ड समझ में आ गए हिंदी मीडियम वालों को? एक्सपेंशन को बोलते हैं पसार, पसार होना, x प्लस ए की होल पावर n, x प्लस ए की होल पावर n का प्रसार ये होता है। क्या होता है? प्रसार। उसको क्या बोलते हैं? प्रसार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन बोलेंगे, एक्सपेंशन बोलेंगे। आपको समझ आ रही है? इवन नंबर होता है सम और ओड नंबर विषम। ओके, यहाँ पे कितनी टर्म्स है? थ्री। यहाँ पे कितनी टर्म है? सेवन। अभी अपन ने फाइव बना दिया था। जिसमें ओड टर्म्स आती है, यानी कि जिसमें विषम संख्याएं आती है, उसमें एक भी मिडिल टर्म होता है। जिसमें इवन नंबर्स होती है, इवन टर्म्स होती है, यानी कि सम संख्याएं होती है, सम पद होते हैं, इवन टर्म्स होती है, उसमें मिडिल टर्म कितने आते हैं? दो आते हैं। दो आ रहे, दो आ रहे। चार इवन नंबर होता है, सिक्स भी इवन नंबर, यानी कि चार भी सम संख्या होती है, छह भी क्या होती है? सम संख्या। अब देखिए सर, आपने इनको एक्सपेंशन में खुला है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एल अगर मिला, अगर एल मिला इवन है, तो कोई बताएगा इस एक्सपेंशन में, इस प्रसार में ओड वैल्यू होगी या इवन नंबर वैल्यू होगी? ओड होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए एल की वैल्यू फोर है, फोर क्या होता है? इवन नंबर होता है, यानी कि सम संख्या होती है। जब यहाँ पे चार है, इसकी कितनी टर्म्स होगी? एक पांच होगी, नहीं होगी, एक प्लस होती है। अगर यहाँ इवन आ गया तो टर्म्स क्या होगी? ओड होगी। अगर यहाँ ओड आ गया तो टर्म्स क्या होगी? इवन होगी। मेरी बात को समझ रहे हो सभी स्टूडेंट्स? या तो लोगों के कमेंट करो एक बार। जल्दी जल्दी, वेरी बहुत बढ़िया। इंडिया में कोरोना का पीक आ चुका है, तू पता है? इंडिया में कोरोना का पीक आ चुका है, लेकिन राजस्थान में पीक नहीं आया है। हाँ, कोरोना का पीक आ चुका है, इंडिया में आया है, राजस्थान में नहीं आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें, ऐसे मत बोलना कि सर राजस्थान इंडिया में नहीं है, ऐसे मत बोलना कि मैं जयपुर भी इंडिया में गया हूँ, दिल्ली खुद को समझ लेना, आपने घर को दिल्ली समझ लेना, पुणे समझ लेना, महाराष्ट्र समझ लेना, कि वहां पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें अपन क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म की केस का, केस का इसका मतलब क्या है? इफ एन इक्वल टू इवन, इवन का मतलब क्या होता है? इवन का मतलब बोलते हैं सम, मतलब अगर ये एन इवन है, अगर ये एन इवन है तो बताओ एक्सपेंशन क्या आएगा? ओड टर्म्स होगी, अरे होगी कि नहीं होगी? ठीक है, अगर n इवन है तो क्या बोलेंगे? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब जानते हो? मध्य पद। मिडिल टर्म होगी n प्लस, n प्लस 2 अपॉन 2h का। ठीक है, n प्लस ये होगा, ये नंबर होता पद, क्या होता है? पद। अगर केस सेकंड, इफ एन इक्वल टू ओड आ गया, मतलब विषम, यानी कि पावर में यहाँ पे क्या है? विषम आ गई, तो एक्सपेंशन में क्या है? इवन टर्म। तो मिडिल टर्म दो, मिडिल टर्म एक तो होगी एन प्लस वन अपॉन टू वर्ड टर्म, एन एक होगी एन प्लस थ्री अपॉन टू वर्ड टर्म, खत्म हो गया। बताओ बताओ एक बार, आप लोग सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलता हूँ।
आप देखिए किसी के माइंड में ये आ रहा है कि सर आप ये खोलना कैसे नहीं, सबको तो टू आ रहा है लेकिन यहाँ पे टू कैसे आया, थ्री कैसे आया, वन कैसे आया, थोड़ा दिमाग लगाओ। एन इवन है आपको ये तो कंफर्म हो गया, अगर यहाँ पे एन इवन है तो जो उसका एक्सपेंशन खोलोगे आप फॉर्मूला लगाओगे इसमें ऑड वैल्यू जाएगी, जब ऑड वैल्यू आती है तो मिडिल टर्म क्या होती है एक, यानी कि यहाँ पे एक का इवन कितनी है दो है, यहाँ पे एक होगी यहाँ पे क्या होगी दो होगी। सर एक तो होगी लेकिन आपने ये क्यों लगाया, अरे एन इवन है इवन में टू ऐड करोगे इवन ही तो आएगा, और इवन में टू से डिवाइड करोगे इवन नंबर में टू का मान लगाते हैं यानी कि डिवाइड करते हैं कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, एक पूरा पूरा भाग जाता है लिख जाता है। अगर मान लो आपने क्वेश्चन कर दिया तो पॉइंटों में वैल्यू आई, मैं बोलूं आपके क्लास में रोल नंबर क्या है, सर 5.5 रोल नंबर है, एक टीचर ने किसी स्टूडेंट के चाटे मारे, कितने चाटे मारे सर 25.5 चाटे मारे मेरे को, अब 25.5 कौन से चाटे हो गए तो डेसिमल में नहीं आ सकती मेरे, ठीक है, यानी पॉइंट्स में नहीं आ सकती। अगर मान लो एन की वैल्यू कोड है जोड़ोगे तो कितना एक सम आएगा, सम में दो का भाग जाता है दो से डिवाइड होता है, यहाँ पे भी क्या है विषम है, विषम में तीन जोड़ोगे वापस सम आ जाएगा इवन आ जाएगा दो से डिवाइड होता है। मेरी बात को समझ रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स, यस और नो में कमेंट करो सर सही लिखा आपने। बहुत बढ़िया बहुत find the coefficient of this, ठीक है, पहले देखिएगा पहले सबसे पहले अपन कौन सा क्वेश्चन करेंगे, फिफ्थ वाला करेंगे, सिक्स वाला करेंगे, सेवन वाला करेंगे, एट वाला, 8.2 एक्सरसाइज का। सर बोर्ड में तो एक भी मिडिल टर्म आती है ना, श्याम प्रताप बोल रहा है कि सर एन की वैल्यू कोड है एक ही मिडिल टर्म आती है, श्याम प्रताप ये बोल रहा है यस और नो, श्याम प्रताप ये बोल रहा है हाँ, अरे तो तू पागल हो गया क्या, मैं ऐसे बोल रहा हूँ एन की वैल्यू कोड है जब यहाँ पे कोड होगा यानी कि x प्लस a का पूर्ण क्यूब आएगा, क्या लिखेगा x क्यूब प्लस लिखेगा कि लिखेगा 3a² x नहीं 3x² a प्लस 3xa² प्लस a का क्यूब, जब n की वैल्यू कोड है तो बता कितने टर्म्स आएगी, कितने टर्म्स आएगी यहाँ पे चार आएगी, तो दिख रहा तो कोड है तो हो क्या गया इवन हो गया ना, समझ गया ना, ऐसे समझ में आता है, सब समझ में आ रहा है बता रहा हूँ। अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर सबसे पहले फिफ्थ वाला स्टार्ट करूंगा, अब मेरे को ये मत बोलना कि सर आप फिफ्थ वाला क्यों स्टार्ट कर रहे हो, आपको नींद नहीं है कि फिफ्थ वाला क्यों स्टार्ट, ठीक है, मैं उस तरीके से स्टार्ट करता हूँ जिस तरीके से मैंने पढ़ा है। 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपका फिर x माइनस y की फुल पावर 12, आपको कौन सी वाली वैल्यू चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए, आपको कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, फोर्थ टर्म, बात समझ में आ रही है आपको, फोर्थ वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। आप जानते हो पी आर प्लस वन का फॉर्मूला क्या होता है,
एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर क्या होता है बताइए। अब आप मेरे तरह से बताओ फोर्थ टर्म है आर की वैल्यू कितनी चाहिए, अगर फोर्थ टर्म है तो आर की वैल्यू की पूरी नहीं होगी। बिल्कुल होगी सर, अगर फोर्थ टर्म है तो आर की वैल्यू 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये चीज। एन की जगह कितना आ गया 12 आ गया, आर की जगह कितना आ गया 3 आ गया, एक्स की जगह कितना आ गया एक्स आ गया, एन की जगह कितना आ गया 12 आ गया माइनस 3 और ए की जगह बोलो कितना है माइनस का 2y और पावर में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 12 से 3 की वैल्यू 12 11 10 मैंने बताया था आपको सॉल्व करो। अरे ऊपर कम करते हैं नीचे बढ़ाते हैं, मेरे को याद तो है कि इसकी वैल्यू क्या होगी बराबर। अब यहाँ पे x की पावर कितना हो जाएगा कहीं 9 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 3 माइनस का 8 होता है y की पावर 3 आएगा। आंसर देखिए दिस 2 3 6 कैंसिल होगा 2 से 12 को काटेगा 2 को 11 2 को 22 220 220 को माइनस 8 से गुणा करेंगे तो 8 2 16 माइनस का 1760। सोल्व कर दिया मैंने x की पावर 9 y की पावर 3। अब आप मेरे को ये मत पूछना कि सर ये कैसे है, क्यों? क्योंकि आप सबको आता है 3 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 को काटेंगे 2 बार 2 को 11 से 22 22 को 10 से 220 220 को 8 से गुणा करेंगे तो 1760 आएगा और माइनस है। ये मत पूछना जरा कि कैसे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 9x माइनस 1 अपॉन 9x माइनस 1 अपॉन x, 9x माइनस 1 अपॉन 3 रूट x की पावर 18 की पावर 18। आपको क्या करना है इसमें, आपको 13वें नंबर की टर्म चाहिए, 13वें नंबर की टर्म अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कैलकुलेट वो देखेंगे अपन। तो 13 नंबर की कैलकुलेट के लिए क्या होगा, वो देखिए कि r प्लस पर जानते हैं अपन को होगा ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r होगा, ये तो अपना क्या होता है फॉर्मूला होगा कर गया तो ncr x की पावर n माइनस r ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r होगा, r की जगह 12 आएगा प्लस 1 n की वैल्यू 18 c 12 x की जगह बोलो क्या है 9 x की पावर 18 माइनस 12 हो जाएगा a की पावर है कि माइनस का वाला को 3 x कट गया, कटता ही जा रहा है तो क्या रहा है कट मत रहे। यहाँ अगर बात करें नहीं कर रहे हैं इतना कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर बात करूँ मैं t 12 प्लस 1 n की वैल्यू 18 c 12 x की जगह 9 x की पावर 18 माइनस का 12 और ये माइनस का 1 है आपको कितना आया। अब नहीं कटा, अब देख रहे हैं यहां से कैसे होगा 18 c 12 को 18 c 6 लिख सकता हूं। एक बार बताइए 18 c 12 को 18 c 6 लिख सकता हूं। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा 9 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगा, 18 में से 12 या 6 आएगा 9 की पावर 6 हो गया x की पावर 6 हो गया, माइनस 1 की पावर कुछ भी हो वो पॉजिटिव होगा, नहीं माइनस 1 की पावर 12 है तो वो पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा यानी 1 आएगा, b की पावर 12 नीचे आएगा। अब आप मेरे को बताओ ये रूट x है, रूट एक्स की पावर 12 है, सोल्व करने के बाद एक्स की पावर कितनी आएगी 6 आएगी, अरे एक्स की पावर 6 आएगी यस और नो होगी कि नहीं होगी, एक्स की पावर 6 आएगी क्या आएगी क्या, हाँ हमें क्या लिखना होगा अभी एक्स की पावर सोल्व करेंगे तो 18 16 को 18 17 16 15 14 10 13 अपॉन कितना आएगा 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पे सोल्व करेंगे, सोल्व करने का तरीका देखो आप लोग, x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल होगा, 9 की पावर 6 को क्या लिख 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, 9 को क्या लिख सकते हो, अरे 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर,
स्क्वायर की पावर 6 यानी 3 की पावर कितना होगा 12 आएगा। 3 की पावर 12 से ये कैंसिल हो गया, x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल हो गया, 4 बन गया 6 बन गया। 3 की पावर 12 से ये तो 0 से आ गया आपको। ये कैसे आया 3 की पावर 12 क्योंकि 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो और स्क्वायर की पावर 6 3 का पावर 12 है। ये कैंसिल हो जाएगा और ये 6 6 को 3 से कैंसिल किया भी जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 3 टाइम्स आएगा ये हो जाएगा 8 टाइम्स। कितना आ गया 17 24 14 एंड 13। इसको घर पे मल्टीप्लाई कर लेना ठीक है, इसको घर पे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग। अरे इंटीजर तो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है ना। ए 18564 चेक करते हैं ये आया है। देखो मेरे को यह आ रहा है 18564, आप चेक करना मेरे को यहाँ मिल रहा है ठीक है, मेरे यहाँ मिल रहा है आपके चेक करना यह आ रहा है। एक बार इसका स्क्रीन शॉट तो क्या बना दो। चला जी चले ओके ओके हाँ जी अब आगे चले अपने चलते हैं तो आगे क्वेश्चन नंबर देखो अगला 7 वाला 7 और 8 आपको मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है मल्टीपल की आ रहा है 3 - x³/6 सर आपने एक क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया, कौन सा क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने, मैंने कौन सा क्वेश्चन नहीं करवाया, विजवाना कौन सा क्वेश्चन नहीं करवाया, फर्स्ट नहीं करवाया, फर्स्ट करवाते हैं ना, पहले 7 कराऊंगा 8 कराऊंगा फिर पहले से कराऊंगा कोई कारण। ओके थैंक यू सो मच, वेरी गुड वेरी गुड। ये लो स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप बोल रहे कि सर फर्स्ट क्वेश्चन के बाद कोई बात नहीं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर इन दिस, फर्स्ट का फर्स्ट ऐसा है नहीं फर्स्ट ही है। देखिए आपको गुणांक याद करना है, क्या याद करना है कोफिशिएंट, अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहला क्वेश्चन क्यों नहीं करा उसका कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी फॉर्मूले लिखाई है उससे थोड़ा अलग है, उसका एडवांस कॉन्सेप्ट है जो मैंने फॉर्मूले डायरेक्ट करवाए हैं, पहले मैं डायरेक्ट वाले क्वेश्चन करवा रहा बस यही काम है, बात को समझ रहे हो आप। हाँ कोई और स्टूडेंट को पूछना कि सर पहले कौन सा क्वेश्चन करवाते हैं, वो क्वेश्चन करवाते हैं जो डायरेक्ट पिकअप कर सकते हो, जल्दी पिकअप कर सकते हो, करवाने को तो मैं तो 8.3 करा दूंगा, 8.2 से पहले है आता तो है ना, इतना सा तो आता ही है मेरे को। ओके उसको रिजवाना कैसे लगा, मैंने देखा सर मिस हो गया होगा, बेटा मिस नहीं हुआ कोई बात नहीं कोई बात नहीं है ना, तो पहला नहीं करवा रहे अपन डायरेक्ट कौन सा करा रहे सातवां करवा 3 - x³/7 3 - x³/6 की पावर 2 पावर 10
सेवन। अपनी कॉपी में भी आप ऐसे काम कर ले जिस तरीके से मैं क्वेश्चन करवा दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सरसाइज भी अगर मान लो तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दे तो दिक्कत नहीं है, उसको आपको आता है अच्छे से। आपको इसमें मिडल टर्म चाहिए, यानी क्या चाहिए? मिडल टर्म। मिडल टर्म को हिंदी में बोलते हैं मध्य पद का। मध्य पद क्या बताना है? मध्य पद क्या होता है? आपको मिडल टर्म कैलकुलेट करनी है। आप मेरे को बताओ, मैंने अभी बताया था x प्लस a की होल पावर n होता है, और जब n ओड होता है तो एक्सपेंशन के अंदर टर्म्स क्या आती है? इवन आती है। मैंने बताया था जब पावर में ओड होगा, जब पावर में ओड होता है उसकी जो एक्सपेंशन होता है, उसका जो प्रसार होता है, उसमें क्या आती है? इवन टर्म्स आती है। और जब इवन होता है तो बताओ कौन कितनी टर्म्स बनेगी? मिडल टर्म दो बनेगी, एक और दो, सबको पता है। और आपने आपको मैंने अभी केस दिखाया भी था, केस नंबर सेकंड चेक करना आपको, जब n की वैल्यू 4 होती है तो मैंने कितनी मिडल टर्म बताई थी? दो बताई थी, टू बताई थी, क्योंकि एक्सपेंशन में क्या हो जाती है? वो इवन हो जाती है। बात को समझ रहे हो? यस और नो में एक बार कमेंट कर दो कि दो टर्म चुकी इसमें मिडल। हाँ, तो मिडल टर्म सॉल्व कौन सी होगी अगर बात करें? वो होगी n प्लस 1 अपॉन 2 बाय टर्म, और एक कौन सी होगी? n प्लस 3 अपॉन 2 बाय टर्म। तो यहां से कितना हो जाएगा? n की वैल्यू 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 8, 8 अपॉन 2 4, 8 टू 4 टर्म होगी, और एक कौन सी होगी? n की वैल्यू 4 प्लस 7 प्लस 3 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 5, एक फिफ्थ टर्म होगी। और आपको पता है कंटिन्यूसी होती है, अभी भी बात करोगे ए बी सी डी तो कंटिन्यूसी को सेकंड टर्म और थर्ड टर्म इसकी क्या होगी? मिडिल टर्म होगी, नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे कितने हैं की वैल्यू 7 है, यहाँ पे लगातार होगी तो फोर्थ टर्म आई और एक कुछ होगी फिफ्थ टर्म वाली। अब फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे आप तो कर सकते हो, आपको होगा क्यों होगा फोर्थ टर्म बताओ कैसे निकालेंगे? फोर्थ टर्म के लिए पहले अपन जानते हैं PR plus n क्या होता है? NCR x की पावर n minus r a की पावर r। तो बताओ fourth term के लिए, fourth term के लिए अपना क्या हो जाएगा? fourth term के लिए अपने r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 plus 1, n की वैल्यू कितनी है? 7, c 3, x की जगह 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? x की जगह sorry n 7 minus 3 होगा, और a की जगह minus का अपॉन 6, और पावर में कितना होगा? आर की वैल्यू भी है। क्या इसको सोल्व कर सकते हो? क्या इसको सोल्व कर सकते हो? यस और नो? क्वेश्चन में पावर 10 है, कहाँ है पावर में 10? हमारे तो 10 है, हाँ 7 है हमारे, तो हमारे तो पावर में 7 है। अरे वो कौन सा क्वेश्चन देख लिया तुम? अरे आठवां क्वेश्चन देख लिया, चेतन है, चेतन आठवां क्वेश्चन है वो। दंश तो देखो है, और आपके पास अगर ऐसा है तो फिर आपकी गलत होगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? थ्री थ्री प्लस वन कितना आ जाएगा बताओ मुझे? 7 6 3 में सोल्व कर सकते हैं, 7 6 5, 1 2 3, 3 की पावर कितना आएगा? 4 आएगा, माइनस हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, कितना हो जाएगा? माइनस x की पावर 9 आएगा, और ये x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो 6 6 6 कैंसिल, 35 35 आ गया यहाँ पे, 3 की पावर 4 हो गया, और ये नेगेटिव में आया, यहाँ पे x की पावर 9 हो गया, और ये 6 की पावर 3 हो गया। 6 की पावर 3 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 इनटू 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, देखो लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 इनटू 2 इनटू 3 की पावर 6 लिख सकता हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं?
और नीचे अरे बोलो इसकी फिफ्थ टर्म निकाल लोगे। फोर्थ तो मैंने कैलकुलेट कर दी और फिफ्थ आप लोग करेंगे। समझ में आ गया? अब आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर क्या है। x x अपॉन b प्लस 9 - 10। अब बताओ एक बार सामने देखो इसमें मिडिल टर्म कैलकुलेट करनी है। कौन सी टर्म कैलकुलेट करनी है? मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कैलकुलेट करनी है। बताओ एक्सपेंशन में क्या आएगी? अरे एक्सपेंशन में क्या आएगी? ऑड टर्म्स आएगी। और जब ऑड आती है मिडिल टर्म क्या होती है? ए की होती है। यानी कि n की वैल्यू 10 इवन है। पहला वाला केस लगेगा। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? ट्राई करना इस क्वेश्चन को। ठीक है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन बाकी का कल पढ़ेंगे। टाइम आउट हो गया जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। रिजवाना समझ में आ गया मैंने ये क्वेश्चन क्यों करवाए हैं? रिजवाना मानो समझ में आ गया ये क्वेश्चन क्यों करवाया हूं? यस और नो? चलो बाकी कल पढ़ेंगे। ओके थैंक यू सो मच। कल अपन आठवें क्वेश्चन को भी कर लेंगे। आप ट्राई करना नहीं होता।